एनसीईआरटी मैथ्स. ओके, लास्ट लेक्चर में अपन 5.3 में जो मतलब समेशन करने थे, सम करने के बाद वैल्यू क्या आती है एपी की, तो वो अपन ने ढूंढे थे. लास्ट दो क्वेश्चन अपन ने किए 5.3 एक्सरसाइज के, अभी थर्ड क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे. सो क्वेश्चन में क्या बोला है, इन एपी गिवन दैट ए इज इक्वल टू 5, बी की वैल्यू दे दी है, ए एन दे दिया, फाइंड एन एंड एस एन. अब इसके अंदर अपन के पास 10 सम्स है, मैं स्टार्टिंग के 3 करवाऊंगी और लास्ट के 3 करवाऊंगी, बीच के 4 तुम लोगों को होमवर्क में करना. ओके, फर्स्ट ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 3, ए एन इज इक्वल टू 50, एन और एस एन ढूंढना है. एन अपन किससे ढूंढते, ए एन वाले फॉर्मूला से ढूंढते. अगर ए एन दे दिया, प्लस है माइनस हो जाएगा, 50 माइनस 5 इज इक्वल टू एन माइनस 1 3, देयरफॉर 50 माइनस 5 कितना होता है 45 अपॉन 3, बिकॉज ये मल्टीप्लीकेशन से डिविजन में हो जाएगा, ये टाइप के सम्स बहुत कर लिए, इज इक्वल टू एन माइनस 1, देयरफॉर 3 वन्स आर 315 आर, एन माइनस 1 इज इक्वल टू 15. अब माइनस है वो सब क्या हो जाएगा प्लस, देयरफॉर एन इज इक्वल टू 15 प्लस 1 इज इक्वल टू 16. देखो एन मिल गया क्या है, अब मुझे एस एन ढूंढना है, तो एस एन की फॉर्मूला क्या है, एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1 डी. फॉर्मूला एकदम लर्न बाय हार्ट होनी चाहिए, क्लियर है. एन है 16 अपॉन टू 2 इंटू ए क्या मेरा 5 प्लस 16 माइनस 1 3, क्लियर. सिर्फ वैल्यू प्लेस कर दे फॉर्मूला में और कुछ भी नहीं, 2 1 2 8 इज इक्वल टू 8, 2 5 10 प्लस 15 इंटू 3, 15 3 45 इज इक्वल टू 8, 10 प्लस 45. ओके, तो वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, इज इक्वल टू 8 55, और 55 का कितना होता है 8 5 40 प्लस 4 44. ओके, क्या किया मैंने, पहले ए एन ढूंढ लिया, ए एन की ए एन से मुझे एन मिल गया, एन रख के मैंने एस एन ढूंढ लिया. सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यू प्लेस करनी है, कुछ नहीं. अगर एन नहीं दिया और ए एन दिया हो तो ए एन से एन इजीली मिल जाता है, एंड उसके बाद मैंने समेशन ढूंढ लिया उतने टर्म्स का. क्लियर एवरीवन? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ए इज इक्वल टू 7, ए 13 इज इक्वल टू 35. ए 13 मतलब क्या हुआ, n इज इक्वल टू 13, ए 13 मतलब क्या हुआ, n के टर्म 13 है. उसके बाद बोला है d कितना है नहीं पता है, और s 13 ढूंढने के लिए बोला है. अब an वाले फॉर्मूला से मैं d भी ढूंढ सकती हूँ, कोई भी मिसिंग फिगर हो मैं an वाले फॉर्मूला से ढूंढ सकती हूँ. सो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d. an मेरा कितना है 35, ये मेरा कितना है 7, एन मेरा कितना है 13 माइनस 1, राइट. एन कितना है 13 माइनस 1, डी मुझे पता नहीं है, राइट. सो 35 माइनस 7 इज इक्वल टू 12 डी. 13 माइनस 1 कितना होता है 12, करेक्ट. 13 माइनस 1 कितना होता है 12, 13 माइनस 1 कितना होता है 12 डी. 35 माइनस 7 28 इज इक्वल टू 12 डी, देयरफॉर डी इज इक्वल टू 28 मल्टीप्लाई हो सकता है क्या हो जाएगा डिविजन, 2 6 3 7 7 3 7 3 d की वैल्यू क्या आ गई 7 upon 3 therefore d is equal to 7 upon 3 d की वैल्यू मुझे मिल गई s13 is equal to n upon 2 2a plus n minus 1 d. Sn is equal to, अब s13 n की वैल्यू क्या है 13.
13 upon 2, 2 into a की वैल्यू क्या है 7 प्लस n कितना है 13 माइनस 1 d की वैल्यू क्या है 7 upon 3 क्लियर. सो 13 upon 2 एज इट इज लिखूंगी 2 7 सा 14 प्लस 12 into 7 upon 3 हो गया मल्टीप्लीकेशन में इजीली करो तो 3 1 सा 3 4 सा इज इक्वल टू 13 upon 2 14 प्लस 4 7 सा 28 4 7 सा 28 नाउ इज इक्वल टू 13 upon 2 14 प्लस 28 कितना होता है 42 14 प्लस 28 इज 42 अब ये इनटू हो गया ना गलत नहीं है इनटू है क्लियर सो 2 वन्स अ 2 20 वन्स अ सो 13 इनटू 21 कितना होता है 273 तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 273 सबमिशन आ गया मेरा 273 ओके नेक्स्ट क्वेश्चन एक बच्चे से इसको गो थ्रू कर दो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करो सो कंटिन्यू विद द थर्ड क्वेश्चन ए 12 इज इक्वल टू 37 डी इज इक्वल टू 3 ए इज इक्वल टू हाउ मच एंड एस 12 इज इक्वल टू हाउ मच सबसे पहले n इज इक्वल टू 12 मतलब क्लियर हो गया बिकॉज a 12 दिया है अब मुझे ये बार a की वैल्यू मिसिंग है तो मैं an की फॉर्मूला में से a की वैल्यू निकाल सकती हूँ सो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d राइट सो a 12 ये डायरेक्टली a की वैल्यू लिखे 37 इज इक्वल टू a मुझे पता नहीं है n मेरा 12 है माइनस 1 d की वैल्यू मेरी 3 क्लियर So 37 is equal to a plus 11d. 12 minus 1 11 होता है. और d मेरा क्या है 3. So 11 into 3. क्लियर? 37 is equal to a plus 33. 11 3 सा 33. प्लस से वो से जगह क्या हो जाएगा? माइनस. So a is equal to 37 minus 33. Therefore a is equal to 4. इधर तक क्लियर हो गया? a की वैल्यू मेरी आ गई. अब मैं SN के अंदर डाल सकती हूँ. तो एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी ओके अब एस एन मतलब क्या एस 12 इज इक्वल टू 12 अपॉन टू बिकॉज मेरा एन 12 है करेक्ट और एस 12 ही बोला ढूंढने के लिए 2 इंटू 4 ए की वैल्यू 4 आ चुकी है अपनी 12 माइनस 1 इंटू डी मेरा कितना है 3 करेक्ट ओके 2 वन सा 2 सिक्स का करेक्ट 6 into 2, 4 is 8 plus 11 into 3. 11 3 is kitna hota hai? 33. So 8 plus 33 is equal to 6 into 41 is equal to 246. Correct? So meri value kya hai? 246. Kiski value hai? Summation of 12 terms. Okay? Summation of 12 terms meri value kya hai? 246. Clear everyone? ओके मैंने 1 2 3 करवा अब लास्ट के 3 करवाऊंगी मतलब 8 9 10 करेक्ट एट क्वेश्चन क्या दे दिया है एन दे दिया है 4 डी दे दिया है 2 एस एन दे दिया है माइनस 14 बोला एन कितना है एन ए कितना है एन कितना है एन ए कितना है करेक्ट तो सबसे पहले एन ढूंढने के लिए ओके इसमें दो दो चीजें नहीं दी हुई है ए एन दे दिया है डी दे दिया है एस एन दे दिया है तो मैं क्या करूंगी दो इक्वेशंस को एलिमिनेट करके करूंगी तो सबसे पहले मैं अगर ए एन करूं तो क्या आएगा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन करेक्ट सो मेरा ए एन क्या है 4 इज इक्वल टू ए मुझे पता नहीं है प्लस एन भी मुझे पता नहीं है तो एन माइनस वन d कितना है 2 therefore 4 is equal to a plus 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगी दोनों के साथ सो क्या आएगा 2n minus 2 करेक्ट दोनों के साथ मल्टीप्लाई करोगे ना 2n दोनों से इनटू होगा n से भी इनटू होगा 1 से भी इनटू होगा therefore 4 is equal to
एक काम करती हूँ, मैं ए टू को ए साइड ले जाती हूँ, देयरफॉर 4 प्लस 2 हो जाएगा बिकॉज इधर माइनस है, इज इक्वल टू ए प्लस 2n, क्लियर? सो 6 इज इक्वल टू ए प्लस 2n आया। तो ये क्या हो जाएगा, मतलब सिर्फ एक वेरिएबल को अलग करना है तो मैं क्या करूँगी, ए को अलग रखूंगी, 6 माइनस 2n लिख सकती हूँ, ए इज इक्वल टू 6 माइनस 2n लिख सकती हूँ। सब्स्टिट्यूशन मेथड याद है, लीनियर इक्वेशन इन 1 2 वेरिएबल्स में क्या है, चैप्टर नंबर 3, बस वो चीज करेंगे इधर भी। अब सेकंड एसएन क्या है, n upon 2, 2a plus n minus 1, correct? Sn की value है minus 14, n upon 2, 2 into a की value क्या है, 6 minus 2n, correct? Plus n minus 1, b की value कितनी है, 2, correct? ये 2 ऊपर चला जाएगा, minus 14 into 2 is equal to n, 2 into 2 सिक्स कितना होता है, 2 सिक्स 12 माइनस जस्ट अ मोमेंट, हाँ 2 सिक्स 12 माइनस 4n, करेक्ट? प्लस 2n माइनस 2, करेक्ट? अब माइनस 28 इज इक्वल टू n इंटू 12 माइनस 2 कितना होता है, 10, माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2n, तो क्लियर हो गया। सो माइनस 28 इज इक्वल टू 10n माइनस 2 इंटू 2n इंटू n कितना, तो 2n स्क्वायर हो गया, ठीक है? अगर मैं सबको ये साइड ले जाऊं तो 2n जो स्क्वायर माइनस से है वो प्लस हो जाएगा, ये 10n जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, एंड ये माइनस और माइनस ही जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये क्या होगा, फैक्टराइजेशन, जो एक सेंटर बहुत डिटेल में किया, करेक्ट? अब फैक्टराइजेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, पहली बात तो 2 कॉमन है सबके अंदर, तो 2 कॉमन ले लूं, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0, सो 2 उधर चला जाएगा तो 0 ही आएगा अल्टीमेटली, सो n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। 14 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 7 से 14 n 7 माइनस 2 इज 5, करेक्ट? सो n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n, तो ये तो माइनस 5n होगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस साइन ऑफ इट नंबर, ठीक है? माइनस 14 इज इक्वल टू 0, n कॉमन, n माइनस 7 प्लस 2 कॉमन, n माइनस 7 इज इक्वल टू 0, सो n प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड n माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ध्यान दे देना, ये फैक्टराइजेशन किया है जो बहुत डिटेल में अपन कर चुके हैं, so n is equal to 0 minus 2 is equal to minus 2 or n is equal to 0 plus 7 is equal to 7। मैंने पहले भी बहुत बार बोला है जो number of terms होते can never be negative, तो ये possible नहीं है, therefore n is equal to 7, ठीक है? और n 7 आ गया तो putting the value of n in equation 1, तो a is equal to 6 minus 2n is equal to 6 minus 2 into 7 is equal to 6 minus 14 is equal to minus 8, तो a की वैल्यू क्या आ गई, minus 8, clear everyone? अच्छे से सम गो थ्रू कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के सम पूछने के चांसेस बहुत हाई है। नाइन के अंदर क्या डिटेल्स दी हुई, ए की वैल्यू दे दी है 3, एन की वैल्यू दे दी है 8, एस दे दिया है 192, मतलब एस एन दे दिया है 192, और बोला है बी कितना, क्लियर? अब एस एन की फॉर्मूला क्या होती है, एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1 डी, क्लियर? अब एस एन कितना दिया है 192, एन मेरे पास है 8 अपॉन 2, 2 इंटू 3 प्लस एन कितना है 8, सो 8 माइनस 1 डी, मुझे सिर्फ डी की वैल्यू नहीं पता, बाकी सब वैल्यूज मेरे पास है, करेक्ट? सो 2 1 2 4 192
अभी 4 में डिवाइड में लेके आ जाओ क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है, तो 192 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 6 प्लस 7d, करेक्ट। अब 4 1s are 4, 4 4s are 16, 4 8s are 32, 48 इज इक्वल टू 6 प्लस 7d, देयरफॉर 6 माइनस हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस में है, 6 माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस में है, इज इक्वल टू 70। Therefore, 48 minus 6 कितना होता है? 42 is equal to 7D. Therefore, D कितना होगा? Multiplication में divide में चला जाएगा. 42 divided by 7, 7 minus 7, 7 is 42. Therefore, difference मेरा कितना आ गया? 6. Clear everyone? Easy सा था एकदम, कुछ भी नहीं, सब details दे दी थी, खाली finding value निकाल दी थी. Missing figure. Last question. Question number 10. L मतलब क्या होता है? Last term. A N. ठीक है, एल मतलब क्या होता है? ए एन दे दिया है, एस दे दिया 144, एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, मतलब एन भी दे दिया है 9, क्लियर। क्या बोला है? फाइंड ए, ए भी नहीं है और डी भी नहीं है मेरे पास, राइट, ए भी नहीं है और डी भी नहीं है। अब ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए एन कितना है लास्ट टर्म, मतलब 28 इज इक्वल टू ए नहीं है मेरे पास, प्लस एन है मेरे पास 9 माइनस 1, डी कितना है नहीं पता, ओके। सो 28 इज इक्वल टू ए प्लस 8d, इतना क्लियर समझ आ गया। सो ए क्या हो गया? ए इज इक्वल टू 28 माइनस 8d, क्लियर। वहां पे सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे, ओके। सो एस एन इज इक्वल टू n upon 2, 2a plus n minus 1, d. Okay, so n कितना है? 8 upon 2, sorry 9. 9 upon 2, 2 into a, a की वैल्यू क्या है? 20. 2 into 28 minus 8d plus n कितना है? 9 minus 1, d. Correct. So 9 upon 2, sn की वैल्यू दे दी, कितनी दी है? 144 is equal to 9 upon 2, 2 into 28 minus 8d plus 8d. ये ब्रैकेट हटा दोगे मैं? नहीं, ब्रैकेट रहेगा सर, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन पहले करना जरूरी है, राइट? प्लस 8d is equal to 9 upon 2, 2 into 28 कितना होता है? 56, 2 into 8, 16d plus 8d, करेक्ट? माइनस प्लस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, सो 9 upon 2, 56 minus 8d because d की 16d की साइन ग्रेटर है, करेक्ट। अब इन दोनों कुछ कॉमन है? यस, कॉमन है, या नहीं भी करना है तो अपन डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? 144 into 2 upon 9 कर सकती हूँ मैं, उल्टा पर रेसिप्रोकल हो गया, डिवीजन अगर मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 56 माइनस 8d, क्लियर। अब 144 टू सा कितना होता है, या देख लेते 9 से होता है कि नहीं होता, 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9, हाँ होगा 9 से, क्लियर। सो 9 1s are 9, 9 1s are 9, 54, 9 6s are 54, क्लियर। 16 2s are 32 is equal to 56 minus 80, therefore ये minus 80 ऐसे रहेगा तो plus 80 हो जाएगा, 80 is equal to 56, ये plus 6 इधर क्या हो जाएगा? माइनस 80 इज इक्वल टू 56 माइनस 32 कितना हुआ? 24, देयरफॉर डी क्या होगा? मल्टीप्लाई है वो से जगह क्या हो जाएगा? डिवीजन, 24 डिवाइड बाय 8, 8 वन सा 8 थ्री सा, देयरफॉर डी इज इक्वल टू 3, क्लियर, ओके। सो 10 सम हो गया, ये एकदम अच्छे से, ये वीडियो बार बार रिपीट मोड पे सुनना ताकि चीजें क्लियरिटी आ गई, मैं वापस सेम चीज रिपीट करूंगा तुम रिपीट मोड पे देख सकते हो वीडियो में, क्लियर है। सो गुड बाय एवरीवन, लर्न दिस लेक्चर बाय दिस सम एंड विल कंटिन्यू द नेक्स्ट क्वेश्चन इन द नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय।